इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में हम हिंद यूनानियों की बात कर रहे हैं। हिंद यूनानियों के सिलसिले में अब तक हम 5 बार मिल चुके हैं और आज 6ठी बार मिल रहे हैं। मेरे पास जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, पिछले अंक में हम हिंद यूनानियों के यूथिडेमस वंश की बात कर रहे थे कि उसका पतन कैसे हुआ। यूथिडेमस वंश का पतन किया शकों ने। शकों का राजा मावेज या मोग था, जिसने यूथिडेमस वंश से गांधार और सिंध के प्रदेश छीन लिए थे। मावेज के बाद में राजा हुआ एजेज प्रथम, उसने यूथिडेमस वंश का मूलोच्छेदन कर दिया। इस वंश के अंतिम राजाओं एपालोडोटस द्वितीय और हिपास्टेटस की मुद्राओं पर एजेज प्रथम का भी नाम है। इससे सिद्ध होता है कि एजेज ने इन राजाओं को पराजित करके इनकी मुद्राओं को अपने नाम से चलाया था। एजेज प्रथम का काल 30 ईसा पूर्व के आसपास का है, तो हमें मानना चाहिए कि यूथिडेमस वंश के विलोप का समय भी यही रहा होगा। जहाँ तक यूक्रेटाइडीज वंश की बात है, हम जानते हैं कि यूक्रेटाइडीज की मृत्यु के बाद 155 ईसा पूर्व के लगभग हेलियोक्लीज राजा हुआ था। शकों ने बैक्ट्रिया पर हमला करके और उसे मजबूर कर दिया था कि वह अपना विस्तार भारत की ओर करे, तो उसने पूर्व में झेलम तक के संपूर्ण प्रदेश को यूथिडेमस वंश से छीन लिया था। बैक्ट्रिया के निकल जाने के पश्चात हेलियोक्लीज एकमात्र भारतीय नरेश हो गया। यूनानियों की ओर से भारतीय जनता की आवश्यकता को देखते हुए उसने अपनी मुद्रा नीति में परिवर्तन कर दिया था। अभी तक यूनानी मुद्राएं ताउल में एक आधार पर बनती थी। यह एटिक तौर पर सिकंदर के समय से चल रही थी, लेकिन अब हेलियोक्लीज को यूनानियों के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए मुद्राएँ बनानी थी। अतः उसने पूर्व प्रतिष्ठित एटिक तौल का परित्याग कर पारसिक तौल को अपनाया था। यही तौल भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में प्रचलित था। हेलियोक्लीज की मृत्यु लगभग 125 ईसा पूर्व में हुई थी। हेलियोक्लीज के बाद यूक्रेटाइडीज वंश के शासकों का क्रम और काल दोनों संदिग्ध है। विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख में महाराज अंतलिखित नाम के एक यूनानी राजा का उल्लेख है। इस लेख के अनुसार इस यूनानी नरेश ने तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस को भारतीय नरेश काशीपुत्र भागभद्र की राजसभा में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। यह घटना भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में घटी थी। विद्वानों ने इस विदिशा लेख के अंत लिखित का समीकरण यूनानी नरेश एंटी याल्किडस के साथ किया है। गार्डनर का कहना है कि मुद्रा में चित्रित एंटी याल्किडस की रूपरेखा बहुत कुछ हेलियोक्लीज से मिलती जुलती है और दोनों की मुद्राएं भी एक ही शैली की हैं। अर्थात दोनों की मुद्राओं पर एक ओर राजा का चित्र अंकित है तो दूसरी ओर हाथी का चित्र अंकित है। इस समता के आधार पर टार्न का मत है कि एंटी याल्किडस और हेलियोक्लीज के बीच में कोई संबंध जरूर था। शायद एंटी याल्किडस हेलियोक्लीज का उत्तराधिकारी था। उसका समकालीन भारतीय नरेश भागभद्र शुंग वंश का 5वां अथवा 9वां राजा था। इस स्तंभ लेख से प्रतीत होता है कि तक्षशिला एंटी याल्किडस की राजधानी थी और विदिशा के भारतीय नरेश के साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। इस समय तक यूनानी भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ चुके थे। विदिशा में हेलियोडोरस ने जो गरुड़ ध्वज स्तंभ खड़ा किया है, वह उसके भागवत धर्म में आस्था रखने की सूचना देता है। यही नहीं, इस स्तंभ लेख में वह स्वयं को भागवत भी कहता है। एंटी याल्किडस एक शक्तिशाली नरेश था।
उसका तीन यूनानी प्रदेशों पेरोपेनेसेडाई, पश्चिमी गांधार और पूर्वी गांधार पर शासन था। इन तीनों के शासन केंद्र क्रमशः कपिशा, पुष्कलावती और तक्षशिला थे। उसने तीनों प्रादेशिक शैलियों की मुद्राएं चलाई थी। मुद्राओं में लिसियस नाम के एक यूनानी राजा का पता चलता है। मुद्राओं से लिसियस नाम के एक यूनानी राजा का पता चलता है। इसकी कुछ मुद्राएं स्वतंत्र रूप से निर्मित की गई थीं और कुछ सम्मिलित रूप से। स्वतंत्र रूप से निर्मित मुद्राओं पर या तो हेरिक्लीज का चित्र है जो राजमुकुट पहन रहा है, या स्वयं लिसियस गजशीश पहने प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों ही चित्र डेमेट्रियस के हैं, अतः प्रतीत होता है कि लिसियस उसी का वंशज था। इस मत की पुष्टि इस बात से होती है कि लिसियस ने डेमेट्रियस की ही उपाधि अजेय धारण की थी। लिसियस की सम्मिलित मुद्राओं पर उसका तथा एंटी आल्किडस दोनों का चित्र है और दोनों के ही नाम हैं। इस आधार पर टार्न का कथन है कि शक आक्रमणकारियों ने अपनी रक्षा के लिए यूथिडेमसी और यूक्रेटाइडीज के वंशों के दोनों प्रतिनिधियों ने थोड़े समय के लिए अपने भेद को भुला दिया और मैत्री संबंध स्थापित कर दिया। टार्न का कथन है कि इस हृदय परिवर्तन को सूचित करने के लिए ही कुछ मुद्राओं में एंटी याल्किडस यूथिडेमिस वंश की कौसिया पहने हैं और लिसियस यूक्रेटाइटिस वंश का शिरस्त्राण धारण किए हुए है। एंटी याल्डिकस की एक अन्य मुद्रा पर हस्ती देवता का एक जुलूस प्रदर्शित किया गया है। टार्न का अनुमान है कि यह जुलूस उसी मैत्री संधि के समय हुए उत्सव को प्रदर्शित करता है। कदाचित दोनों नरेश सहकारियों के रूप में शासन करते थे। यूथी डेविड वंशावली में लिसियस को कहाँ रखा जाए, इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है, लेकिन टार्न के अनुमान को स्वीकार कर लिया जाए तो वह डेमेट्रियस का पौत्र था। एंटी याल्किडस ही अंतिम यूनानी राजा था जिसने पेरोपेनेसेडाई, पश्चिमी गांधार और पूर्वी गांधार के सम्मिलित प्रदेशों पर शासन किया। उसके बाद यह प्रादेशिक इकाई भंग हो गई और तीनों प्रदेश अलग हो गए। इस राजनीतिक विघटन ने यूनानी शासन की अवनति को निकट ला दिया। मुद्राओं से ऐसा प्रतीत होता है कि एंटी याल्किडस के बाद पांच यूनानी राजाओं डियोमेडीज, एपेंडर, फिलाजेनस, प्यूकोलाउज और आर्टेमिडोरस ने पश्चिमी गांधार में शासन किया। इनकी सत्ता का केंद्र था पुष्कलावती। इनके लघु शासनकाल को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें कुछ पश्चिमी गांधार के भिन्न भिन्न जिलों पर सामंतों के रूप में एक ही समय शासन कर रहे थे। चूंकि सबकी मुद्राएं पुष्कलावती में ही निर्मित हुई थी, अतः यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि ये सब समकालीन थे। शीघ्र ही इस प्रदेश के यूनानी राज्य का अंत हो गया। पूर्वी गांधार में एंटी याल्किडस के बाद आर्केबियस शासक हुआ। काबुल भांड में उसकी 30 मुद्राएं प्राप्त हुई है। कुछ मुद्राओं से ज्ञात होता है कि कपिशा में टेलिफस नामक एक राजा ने थोड़े समय तक शासन किया। इसकी मुद्राओं पर न तो यूनानी चित्र है और न ही यूनानी लेख या किसी विरुद्ध का संकेत है। प्रतीत होता है कि वह कदाचित यूनानी न रहा हो, वरन कोई बहिर्गामी रहा हो जिसने अशांतिपूर्ण परिस्थिति से लाभ उठाकर कपिशा में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। पेरिपेनेसेडाई में यूनानियों का अंत नहीं हुआ था। अमिंटास नामक एक यूनानी राजा ने एलेक्जेंड्रिया में शक राज्य के विरुद्ध बगावत की थी। वह सफल हुआ और उसने वहां अपना राज्य स्थापित किया। एलेक्जेंड्रिया में अमिंटास की मुद्राएं मिली हैं जिन पर कपिशा शैली के अनुरूप सिंहासनासीन जीएस का चित्र है। टार्न का कहना है कि वह एंटी आल्किडस का वंशज था। कुछ भी हो, इतना निश्चित है
कि उसने पेरिपेनेसेडाई में यूनानी राज्य को पुनः प्रतिष्ठित किया। अमिंटाज के पश्चात उसका पुत्र हर्मियस लगभग 50 ईसा पूर्व में राजा हुआ। 48 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण पेरिपेनेसेडाई को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार उसने यूनानियों के विलुप्त गौरव को अल्पकाल के लिए पुनः प्रतिष्ठित किया। यह अंतिम यूनानी नरेश था। उसकी कुछ मुद्राओं पर कुषाण नरेश कुजुल कैदफिसेज का भी नाम मिलता है। कालांतर में कुजुल कैदफिसेज ने अपनी स्वतंत्र मुद्राओं का निर्माण करवाया था। इससे कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि भारतवर्ष के अंतिम यूनानी नरेश हर्मियस को हराकर यूनानी शासन का अंत करने वाला व्यक्ति कुजुल कैदफिसेज ही था। लेकिन यह निष्कर्ष न्यायसंगत नहीं है। कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि चीनी इतिहासकारों का कथन है कि कुजुल कैदफिसेज ने यूनानियों को नहीं वरन पहलवों को हराकर राज्य स्थापित किया था। तार्न महोदय का कथन है कि पहलवों ने ही यूनानियों का अंतिम विनाश किया था। पहले उन्होंने गांधार और सीस्तान पर अपना अधिकार जमाया और फिर स्पेलिरेसेज की अध्यक्षता में हर्मियस से संपूर्ण पेरिपेनेसेडाई छीन लिया। इस प्रकार 30 ईसा पूर्व के लगभग भारतवर्ष में यूनानी शासन का अंत हो गया। कालांतर में कुषाण शक्ति का उदय हुआ। इस जाति के नरेश कुजुल कैदफिसेज ने पल्लवों को हराकर पेरिपेनेसेडाई पर अपना अधिकार जमाया था। इस प्रदेश में यूनानी शासन बहुत दिनों तक रहा था, अतः यहाँ यूनानियों की संख्या भी अधिक थी। कालांतर में कुषाण शक्ति का उदय हुआ। इस जाति के नरेश कुजुल कैदफिसेज ने पहलवों को हराकर पेरिपेनेसेडाई पर अपना अधिकार जमाया। इस प्रदेश में यूनानी शासन बहुत दिनों तक रहा था, अतः वहाँ यूनानियों की संख्या भी ज़्यादा थी। अतः जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए कैदफिसेज ने ऐसी मुद्राओं का प्रसार किया जिनमें उसके नाम के साथ विगत यूनानी नरेश हर्मियस का भी नाम था। वास्तव में ये मुद्राएं प्रचार मुद्राएं थीं। इनके पीछे एक चाल थी। राजा यह दिखाना चाहता था जनता को कि यूनानी हर्मियस का वास्तविक उत्तराधिकारी वही है। इस प्रकार प्रचार के द्वारा वह यूनानियों की सहानुभूति चाहता था। विद्वानों का निष्कर्ष है कि भारत में यूनानी शासकों के उत्तराधिकारी पहलव थे और पहलवों के उत्तराधिकारी हुए कुषाण। परंतु इस विषय में निर्विवाद रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों, यह था भारत में हिंद यूनानियों का शासन। भारतवर्ष पर यूनानियों के शासन का जो प्रभाव पड़ा, हमें उसकी भी बात करनी चाहिए। सिकंदर के आक्रमण के पहले जो भारत और यूनान का जो संबंध है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि सिकंदर के पूर्व भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क नहीं था। भारतीय अधिकांशतः बेबीलोन अथवा लाल सागर तक ही व्यापार के लिए जाते थे और वहां से सामग्री अन्य माध्यमों के द्वारा आगे पहुंचाई जाती थी। लेकिन डॉक्टर भंडारकर महोदय का मत है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व ही भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में यूनानियों का एक उपनिवेश था और इसी के द्वारा दोनों देशों की जातियों में संपर्क स्थापित हुआ था। मित्रों, चाहे यूनानियों से भारत का संपर्क सिकंदर से पहले रहा हो या वह बाद में रहा हो, लेकिन जो पहले का संपर्क है वह संपर्क राजनीतिक संपर्क नहीं है। यूनानियों का भारत से राजनीतिक संपर्क तो सिकंदर के आक्रमण के बाद ही शुरू हुआ और यही वजह है कि हम सिकंदर के बहुत बाद तक हिंद यूनानियों को पढ़ते हैं, उनके विषय में जानते हैं। चाहे कोई भी आक्रांता रहा हो या कोई आक्रांता जाति रही हो, जब वह किसी दूसरे क्षेत्र में जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ अपना प्रभाव छोड़ती है और वहाँ से अपना प्रभाव लेती भी है, क्योंकि भारतवर्ष एक
विशाल देश है, इतने बड़े देश में, इतने बड़े देश में पहले से ही अनेक जातियां थीं, और जब बाहर से जातियां आने लगी तो यह देश एक प्रकार से संस्कृतियों का मेला बन गया। इस मेले में सभी ने सभी से बहुत कुछ सीखा। आज का इतिहास पाठ इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।